अस्सलाम स्टूडेंट्स, वालेकुम सलाम। तो आज हम दोबारा हाजिर हुए हैं इस लेक्चर के लिए। बायोलॉजी का लेक्चर है, फर्स्ट ईयर की बुक का आखिरी सेकंड लास्ट टॉपिक है बायोलॉजी सर्विसेज ऑफ फायर गाइड। पावर पर बोर्ड के पेपर में ये सवाल इससे आया था नंबर क्वेश्चन वाले से, तो आपने इसको अच्छी तरह समझना है। मैं आपको अच्छी तरह इसे बताऊँगा कि आपको ईजीली याद हो। तो बायोलॉजी इंसानों की कैसे खिदमत कर रही है वो आपको ये टॉपिक है मेन। हम इसके मेन पॉइंट क्या है कि बायोलॉजी किस तरह कर रही है एज ए फूड। बायोलॉजी हमारे ऐसे हेल्प करती है कि एनिमल ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग, पोल्ट्री की ब्रीडिंग, ये डिफरेंट मेथड है जिसके जरिए बायोलॉजी हमारी हेल्प कर रही है। कैसे? एज ए फूड एनिमल ब्रीडिंग, यानी कि नए नए जानवरों की किस्में आ गई हैं, जैसे कि हॉर्स आ गए, गाय आ गई, भैंस आ गई, ये डिफरेंट जानवर जो हमें मिलते हैं, नई वराइटीज मिलती हैं जिनके अंदर ऐसी खसूसियात होती हैं कि इनकी जो गोश्त की प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा होती है, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन का हमारा वो भी तेज़ होता है, सेहतमंद जानवर होते हैं। तो ये कौन हेल्प कर रहा है हमारी बायोलॉजी को? एनिमल ब्रीडिंग में मुक्त जानवरों की ब्रीडिंग की जाएगी और अच्छी किस्म के जानवर पैदा किए जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास प्लांट्स ब्रीडिंग, यानी कि बायोलॉजी क्या कर रही है, प्लांट्स के हवाले से हमें ऐसे पौधे फ्राहम कर रही है जैसे जिनके अंदर रेजिस्टेंस होती है माइक्रोऑर्गेनिज्म के खिलाफ, इसके अलावा उनकी पैदावार भी ज़्यादा होती है। वो पौधे जो ब्रीडिंग के जरिए पैदा किए गए उनके फ्रूट की प्रोडक्शन होगी वो भी तेज़ होगी, ज़्यादा होगी, हैवी होगी और वो मिठास के वजह से भी अच्छी किस्म की होगी। तो प्लांट ब्रीडिंग में ग्रेप्स, बनाना, पाइन एप्पल एक्सेट्रा, ये ऐसे पौधे पैदा किए जाते हैं जो कि विदाउट सीड पैदा किए जाते हैं, और इस तरह जो प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे उनकी पैदावार भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एज ए पोल्ट्री, पोल्ट्री क्या है, हमें पोल्ट्री का गोश्त मिलता है, मुर्गियों का गोश्त मिलता है जो कि वाइट गोश्त होता है, बड़ा चीप होता है, सस्ता होता है, तेज़ी से बनाया जाता है। जब इस तरह की प्रोडक्शन बायोलॉजी हमारी हेल्प करेगी तो हमें क्या होगा फ़ायदा, एक मंथ के अंदर हमें कई मंथ यानी कि जो गोश्त की पैदावार है उसमें कई गुना इजाफा हो जाएगा। यानी कि ऐसी खुराकें आ गई हैं, ऐसी वराइटीज़ आ गई हैं मुख्तलिफ पोल्ट्री की फॉर्म की जो कि हमें ब्रॉयलर जो ब्रॉयलर गोश्त होता है वो हमें मिलता है अच्छी किस्म की वराइटी का, तो इसे क्या कहते हैं एज ए पोल्ट्री हमारी ये बायोलॉजी क्या कर रही है। नेक्स्ट क्या जाता है जी कलोनी। कलोनी क्या होती है? ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, इसमें एक जानवर पैदा किया जाता है विदाउट यूजिंग ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स के इस्तेमाल के बगैर। तो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे एक सिंगल सेल इस्तेमाल करेंगे और सिंगल सेल माइटोसिस के जरिए जनरेट करेगा न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो मेथड जिसमें हम सिंगल सेल के जरिए नया जानवर बना लें उसको क्या कहते हैं क्लोनिंग। और क्लोनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो बैक्टीरिया, अमीबा या मुख्तलिफ पौधों के अंदर हाइड्रा वगैरह या छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह नए जानवर पैदा किए जाएंगे जिनके अंदर जो खसूसियात होंगी वो पैरेंट जैसे होगी। एक सिंगल सेल से नया जानवर बनाने का मल खुदों निकलता है और ये भी कौन हेल्प करता है हमारी बायोलॉजी करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या मतलब है? यूजिंग ऑफ जीन्स, यानी कि जीन्स को रिपेयर करना, जीन्स की मरम्मत करना, जीन्स को ठीक करना, जो डिफेक्टिव जीन होगी एक जानवर के अंदर उसको निकाल देना और उसकी जगह पे हेल्थी जीन लगा देना, उस समय को कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये जानवरों में भी होता है प्रोसेस, ये प्लांट्स में भी होता है। वो जानवर जिनके अंदर कोई ट्यूमर बन जाए, रिसोली बन जाए, या वो अमल जिसमें जीन्स जो है वो डिफेक्टिव हो जाए एक जानवर के अंदर, इंसान के अंदर भी हो सकता है, फेफड़ों में हो सकता है, इसके पैंक्रियाज में हो सकता है, लीवर में हो सकता है, और उसकी जगह पर नई जीन्स लगा देना वो अमल क्या कहलाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग। और ये भी कौन हेल्प करेगा हमारी? ये करेगी बायोलॉजी। इस तरह ये पौधों में भी होता है कि बाहर पौधों की प्रोडक्शन पैदावार कम होती है, उनकी ग्रोथ कम होती है, उनके अंदर वो वाली जीन निकाल दी जाती है और उसकी जगह पे हेल्थी जीन लगा दी जाएगी जिस तरह से पौधों की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी और उनके अंदर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, ग्रोथ की पैदावार भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है जी हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। ये सवाल हर दफ़ा आता है, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक होती है कि वो मैथड जिसमें प्लांट्स ग्रो करवाए जाते हैं इन द वाटर, यानी कि विदाउट सॉयल, सॉयल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, पौधों को ग्रो करवाया जाएगा, बास्केट के अंदर टोकरी ली जाएगी, उसके अंदर कुछ स्टोन लिए जाएंगे, छोटा सा पौधा उसके अंदर लगाया जाएगा, एक साइड से उसे खुराक देंगे, एक साइड से हवा देंगे,
वो पौधे की ग्रोथ क्या होगी बहुत तेज होगी। ये मेथड एक्सपेंसिव है, पाकिस्तान में कम जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक पौधा हासिल कर सकते हैं जो कि विदाउट सीड भी हासिल हो सकता है, या ऐसा पौधा जिसकी पैदावार 2 सालों में कम्प्लीट होनी थी उसकी, यानी कि मुकम्मल ग्रोथ वो 1 मंथ में कम्प्लीट हो जाएगी इस प्रोसेस को, यानी हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। तो ये एक प्रोसेस है जो कि बायोलॉजी हमारी इसमें हेल्प करता है। एक है आईडीएम, इसे बोलते हैं इंटीग्रेट डिजीज मैनेजमेंट। ये तंजीम होती है, कॉमन बताता कि तंजीम है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ये प्रेजेंट है। इसका काम क्या होता है, जब भी कोई बीमारी आती है जैसे कोरोना वायरस आया, जैसा कि हेपेटाइटिस आया था, तो ये क्या करती है अपनी आखिरी हद तक स्ट्रगल करती है उस बीमारी को कंट्रोल करती है। ये आईडीएम क्या होती है, इंटीग्रेट डिजीज मैनेजमेंट, एक तकनीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है हर बीमारी को कंट्रोल करती है। ये सवाल लास्ट 8 क्वेश्चन के वाले से आता है जो आपने जिक्र देखा है। तो इसका काम क्या होता है, स्ट्रगल टू एलिमिनेट एनी डिजीज फ्रॉम द वर्ल्ड, इट्स कॉल्ड आईडीएम। इस टॉपिक का आखिरी जो मेन पॉइंट है वो इससे पहले आता है, वो है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल से क्या मराद है कि साइंस क्या करती है, बायोलॉजी क्या करती है। तो बस ज़्यादा ऐसा होता है कि मेडिसिन का असर नहीं होता या कोई भी इफेक्टिव प्रोसेस नहीं है जिसके जरिए हम जानवरों को कंट्रोल कर सकें जो कि पौधों को या जानवरों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो उसके लिए एक इस्तेमाल किया जाता है प्रोसेस बायोलॉजिकल कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ वन लिविंग थिंग बाय अदर इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल। आपने कुछ एग्जाम्पल दी गई कि अखरोट का पौधा होता है, वालनट का पौधा, उसको डैमेज करता है एक कीड़ा एफिड, एफिड को डेमो के जरिए कंट्रोल किया जाता है। मैंने पंजाबी इस्तेमाल की डेमो, डेमो को उर्दू में कहते हैं फिड, यहाँ पे फिर भी रहा होगा हमारे इधर राउंड पाउंड फिर रहे होते हैं, इसको कंट्रोल किया जाता है एफिड को किसके जरिए, फिड के जरिए, यानी कि एक जिंदा चीज़ को जिंदा चीज़ के जरिए कंट्रोल करना क्या कहलाएगा, बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो ये अगर आप 6 पॉइंट कर लें तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से देख सकते हैं। शॉर्ट इसके लिए आपने याद रखना है क्लोनिंग, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, जेनेटिक इंजीनियरिंग, आईडीएम और बायोलॉजिकल कंट्रोल का आपका सवाल आता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।